गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में हर साल की तरह पथ संचलन कर शौर्य दिवस मनाया गया। अंगूरी वाटिका से प्रारंभ हुआ ये पथ संचलन में स्वयंसेवक भारी संख्या में मौजूद रहे। जय श्री राम के उद्घोषों से लगाते हुए सेवकों का पथ संचलन मंडी रामदास चौक बाजार होते हुए होली गेट पहुंचा। होली गेट पर स्वयं सेवकों ने जोरदार आतिशबाजी की। इस दौरान भगवा ध्वज लिए स्वयं सेवकों की दिखाई दिए। होली गेट के बाद कोतवाली रोड भरतपुर दरेसी रोड होते हुए अंगूरी वाटिका पर पथ संचलन का समापन हुआ। इस मौके पर विवेक चौधरी, विभागीय संयोजक सुरेंद्र चौधरी, प्रांत सहमंत्री विकास महानगर संयोजक अमित जैन, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बच्चों जी, आज आपके द्वारा पथ संचलन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको? बजरंग दल द्वारा प्रत्येक वर्ष शौर्य पथ संचलन इसी क्रम में निकाला जाता है। इस पथ शौर्य संचलन के जरिए समाज के प्रत्येक हिंदू नागरिक को हम जागरूक करना चाहते हैं, जिससे हिंदू समाज का नागरिक बजरंग दल से जुड़ सके और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके। धन्यवाद। ये पथ संचलन हमने अंगूरी वाटिका से शुरू किया था और पूरे होली गेट में शुरुआत होते हुए कोतवाली रोड से जाते हुए वहीं पर समाप्त होगा। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में पथ संचलन कार्यक्रम का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सब लोग साथ दे रहे हैं, हिंदुत्व का नारा आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार से काशी में बाबा शिवनाथ का जो है उद्घोष हुआ है, उसी प्रकार से अब मथुरा की बारी है। हम यही कहेंगे जय श्री राम, सब लोग हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम।